अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। सर एक मिनट इधर, ठीक है आप इसका भी ले लो, हमारा एक फोटो हो जाए। अमित का पीछा हूँ यार, फिर वही बात यार, ये इसको फोटो दे देना मेरा अभी अमित। हाँ ठीक है, सब लोग को शेयर कर लेना, ठीक है, लोगों ने ज्ञापन दिया, ठीक है, और ये इनको बता के लोग किसी प्रकार की कोई चीज को दिक्कत नहीं आने देंगे, ठीक है सर। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने के लिए कुछ नहीं, आपको घर से थोड़ी उठा के गाड़ी पर बैठा रहे, गाड़ी आप सड़क पर नहीं बैठ सकते इतनी देर, बाकी आपको मिनिमम टाइम चाहिए था उतना हमने आपको मांगे, पूरी होगी तो हम फिर कहा जाएंगे। आप घर चले जाओ, नहीं तो अगर आलू भैया बुला के बंद कर दूंगा बिना देरी के। आपके घर चले जाइए, टैक्सी यूनियन चलाओ, घर पहुंच जाइए, चलिए भाई। बाजी वो जितना जितने से दो रास्ता नहीं, अपन अपने काम धंधे बंद रखो, अपनी गाड़ी घोड़े बंद रखो भाई, ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था वैसे चौपट हो जाएगी। अपन ये नेशनल हाईवे को जाम ज्यादा देर नहीं कर सकते सर, मैसेज चलाओ ना, ऐसा ये चले रहे हैं गाड़ी, क्या कर रहे हैं गाड़ी। नहीं कोई नहीं, घर जाओ भैया, चलो अपने घर पहुंच जाओ, फोटो ले लीजिए भैया। पति को कितने साल की जेल हुई है? और साल एक महीने की सजा हुई है सर, और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, चार बच्चे हैं सर, चार बच्चे कैसे पालेगा परिवार। आगे आओ तुम लोग जरा, मजदूरी करता है ड्राइवर। ये बताएं कब हुई थी उनको जेल, मेहनत करके कब हुई थी उनको जेल? सर अभी 27 तारीख को हुई है, पुलिस वाले 27 तारीख को उसके ऊपर FIR हुई और उसको ले गए और 2 साल की सजा और जुर्माना 3 लाख कहाँ से देगा? और ये चार, एक दो तीन, चार बच्चे कैसे पालेगा और कैसे पास आउट करेगा? ये भी नहीं गया, कुछ भी नहीं उनके पास अभी सर। और अभी मैंने पड़ोसी से 1000 रुपए ले गए। क्या ये जो आंदोलन चल रहा है ड्राइवरों का, ये सही है? गलत है सर, मेरे हिसाब से मेरे चार बच्चे का कोई देखने वाला नहीं है। नहीं, ये जो आंदोलन चल रहा है ये सही है? सही है लेकिन अभी फिलहाल उनको बाहर करने का आपको कोशिश करना पड़ेगी सर, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ इमली चौक बावड़िया सर। क्या नाम है आपका? श्रीना मालवी। आपके पति का नाम क्या है? धर्मेंद्र मालवी। कब से बंद है जेल में? 27 तारीख।
पूरे देश के लेवल पर हो गया, आपकी आवाज पहुंच चुकी है, आप ज्ञापन अभी देना चाहे तो अभी दे दीजिए, ऑफिस में आप देना चाहे तो देंगे, अभी बनवाएंगे। मेरा आपसे चालू है, अगली बार फिर करेंगे। अरे खूब कर रहे हैं यार, अगली बार फिर करेंगे जब पूरी जगह खुल गया है तो ना। इंदौर खुल गया, सीहोर खुल गया, चारों तरफ ज्ञापन हो गए हैं, छोटे छोटे आपकी जो बड़ी यूनियन है वो कर रही है। आप लोगों को कोई बात करनी तो अब इधर करो, रोड चालू करो, रोड चालू कर दीजिए, आके बात करते हैं। तीन दिन का जाम है, तीन दिन काम नहीं रखा जा सकता। बात वो करिए जो जो बाजी हो, अब काम कर भेजा बेटा, ऐसे अपन गाड़ी मत चलाओ, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, ये जाम करना कोई अले सर जो बोल रहा है वो बात भी सही, अपन गाड़ी मत चलाओ। अली को अले भाई अले, इनको ये लाल शर्ट वाले को हटा दो, चेहरा आ जाएंगे इनको, इनको इधर आजा अरवाज, साइड आजा, हाँ आजा भैया, थोड़ा अपने भाई का ध्यान रखो, ड्राइवर भाई है, 50, 100, 10, 20 इसकी जैसी इच्छा वैसे दे दो भैया। उसके चार बच्चे हैं और इनका पालन पोषण कौन करेगा, क्या सरकार इनका जिम्मा लेगी, उसको 2 साल 1,000 सुनाई, कैसे पालन पोषण होगा इन बच्चों का ये बताइए। वो 2 साल जेल में रहेगा तो इनको फोन बड़ा करेगा, फोन पालेगा, फोन उनकी रोटी पानी का इंतजाम करेगा, ये तो भूखे मर रही है ना, अभी तो 1, 2, 3, 4 बच्चे और उनकी विशेष का कौन ध्यान रखेगा। सरकार बच्चे की फीस खाना पीना उसका 2 साल का कारावास करा, उसको सब माफ करे। बिल्कुल सही, ये मोबाइल लिया है 5,000 अभी निर्वाह बने थे इधर, वही है आप भी सुन रहे क्या, वो बंद करो, सही बात है, बंद करो मयूर, बोला बोलो धर्मेन को बाहर करो, अबे धर्मेन कौन है, ये जो ड्राइवर धर्मेन की पत्नी है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या कुछ आप इनके लिए करना चाह रहे हैं? ये इनके पति को जो 10 साल की सजा हो गई उसके विरोध में आके यहाँ पे बैठी है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं इनके लिए यहाँ पर? जो भारत में लाया कानून बना, हम इनकी जो भी मदद, आर्थिक मदद हो रही है वो कर रहे हैं, कानून से जो मदद हो रही है वो करेंगे, जो भी मदद हमको मिल सकेगी वो सब मदद करेंगे। यहाँ पर देखने में आया कि आप इनके, आप सब लोग इन लोगों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आर्थिक मदद भी करेंगे। ये अभी कहाँ पर रहते हैं? दीदी बताओ, बावड़िया, बावड़िया, एक मिनट चुप रहो, आप बताओ दीदी। इमली चौक बावड़िया में रहते हैं। आपके पति को कितने साल की जेल हुई है? 2 साल 1 महीने की। क्या अभी जेल में आप मुलाकात करके आए थे? अभी हमें अभी कोर्ट बंद है सर। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? कुछ नहीं सर, अभी एक चार बच्चे रो रहे हैं, क्या करूंगी मैं, छोटा बच्चा कैसे करेंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे? मैं देखो भाई, 2 साल वो जेल में लगा तो इनको कौन पालेगा, इनका कौन ध्यान रखेगा बच्चों का? नहीं मेरे आगे पीछे सर, इनके साथ कैसे कुछ हो गया बच्चों के साथ, तो कौन सरकार जिम्मेदार रहेगी, कौन जिम्मेदार रहेगा? वो बेचारा जेल में घर चला रही है, 500-300 रुपए की नौकरी कर रही है, ड्राइवर कर रही है। ये काला कानून वापस ही लेना चाहिए, ये काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेटा मतलब आपके
कुछ नहीं करेगा। मत रो मत रो बेटा, ए बेटो। यहाँ पर जो है बसों के ड्राइवरों ने हड़ताल करी है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या कुछ कानून है ये? हम मैजिक यूनियन की तरफ से खड़े हैं भैया, बस यूनियन की तरफ से खड़े हैं। ये जो काला कानून आया है 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना, इसके विरोध में हम जाम कर रहे हैं। आपने अभी तक क्या क्या जाम करा है, अभी क्या क्या करा आपने? शांतिपूर्वक जाम कर रहा है, कुछ एम्बुलेंस आ रहा है, इमरजेंसी कार आ रही है, उनको सबको निकाल रहा है, बाकी शांतिपूर्वक बड़ी गाड़ी जाम को रोक रही है। पुलिस विभाग ने भी आपको रोकने का प्रयास किया था? पुलिस विभाग से भी हमारी बात हो गई है, हम शांतिपूर्वक काम कर रही है, हमारा कोई परेशान न करे, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। बड़ी गाड़ी रोक रखी है, छोटी फैमिली वाली कार है उनको जाने दे रहा है, एम्बुलेंस को जाने दे रहा है, जो मतलब जिसको आकस्मिक जाना उनको सबको जाने दे रहा है। शहर में मैजिक बंद है? हाँ बंद है। अच्छा, ये कब तक रहेगा आपका? अनिश्चितकालीन हड़ताल है ये, जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी, काला कानून वापस नहीं किया जाएगा, जब तक बंद ही रखेंगे, क्योंकि इससे 10 साल की सजा काटने से या 7 लाख रुपए जुर्माना भरने से तो अच्छा है कि हम घर में बैठे या मजदूरी करेंगे तो 500 रुपए मजदूर को भी मिलते हैं, ड्राइवर को 500 रुपए पगार नहीं मिल पाती। आपका नाम बता दीजिए। मिर्जा असलम बेग, मैजिक यूनियन अध्यक्ष। ये किस प्रकार का आंदोलन चल रहा है और आपने यहाँ पे चक्का जाम भी कराया है, शहर में भी आपने बंद कराया, बस स्टैंड पे बंद कराया, क्या कुछ मांगे हैं आपकी और क्या कुछ बता रहा है? जो अभी नया कानून पारित किया गया है, कौन सा कानून है? इसमें ड्राइवरों के द्वारा अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है तो पहले जमानत बेल पे ड्राइवर बाहर आ जाता था, अब 10 साल का प्रावधान करते आए और 2 लाख का जुर्माना है, 5 लाख का। ड्राइवर कहाँ से भरेगा और कैसे गाड़ी चलाएगा, कैसे घर परिवार चलाएगा, कैसे करेगा? 5,000 कोई ड्राइवर की 300 पगार है, कोई की 400 है, कोई की 500 है, और क्या करेगा आदमी ये बता? अगर 10 साल अगर वो जेल में बैठ जाएगा उसका घर परिवार कौन चलाएगा? अभी एक ड्राइवर भाई को 2 साल की सजा हुई है, कोई मोटर मालिक कोई साथ देने नहीं आता है, उसको 2 साल की सजा हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए और मोदी जी और शाह जी से हमारा निवेदन है कि काला कानून वापस लें, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। अभी आपने कौन कौन सी गाड़ियां बंद कर रही हैं यहाँ पे? हम अभी तो ज्यादातर कारों को वगैरह किसी को परेशानी नहीं कर रहे हैं, और बसें जा रही है बिल्कुल बंद करेंगे और अनिश्चित काल पर हड़ताल करेंगे। मेजी यूनियन भी पूरी हमारे साथ है, देवास की। क्या कुछ ऑटो मेजिक सब भी हमारे यूनियन वाले, क्या कुछ जानते हैं आप इस कानून के बारे में? ये कानून हम नहीं चाहते सर, नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। अगर बंदा 10 साल जेल में मिट जाएगा तो घर परिवार बच्चे कैसे पालेगा? आपका नाम बताइए। ड्राइवर हड़ताल पे बैठे हुए और स्टीयरिंग भी आज उन्होंने छोड़ दी है, क्या मांग थी और किस कारण से हुआ ये? अमित शाह ने जो कानून जो लागू किया है उस कानून के परिस्थिति करा जा रहा है पूरे ड्राइवर। तो आज किस तरह का विरोध था यहाँ पे? आज विरोध इस तरह का था कि ड्राइवरों को समझाइश थी कि कल से वाहन अपना छोड़ दें, चलाना छोड़ दें। तो हाँ, देखा गया कि जो शहर के तीनों बाईपास थे, तीनों बाईपासों पर जो ड्राइवर थे काम बंद करके बैठे हुए थे, और अभी आज भी देखा जा रहा है कि यात्री परेशान हो रहे हैं आपकी हड़ताल के चलते, तो आगे किस तरह से आपका वो रहेगा आंदोलन? आंदोलन बढ़ता रहेगा जब तक हमारी जो कानून जो लागू किया है कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, या इसके अंदर संशोधित अच्छा ड्राइवरों के लिए हित में नहीं बनाया जाएगा, तो चलता रहेगा आंदोलन। क्या अभी क्या कानून क्या बनाया है जिसका विरोध आपका है? बनाया गया है कि 5 लाख रुपए जुर्माना है, 10 साल की सजा है एक्सीडेंट पे। अब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट ऐसा तो है नहीं कि चलो एक्सीडेंट होता है दोनों व्यक्ति घायल हो गए, अब दोनों व्यक्ति घायल होगा तो उसको कौन उठा के लेके जाएगा? इसका जवाबदारी या टोल वाला लेगा जिस रोड पे एक्सीडेंट होगा, टोल वाला जिसने सड़क बनाया है वो उठा के इसको दोनों को लेके जाएगा, और लेके नहीं जाता या दोनों मरते हैं तो दोनों का भरपाई ये जो कानून लागू करा है वो अमित शाह जी वो टोल वाले के मालिक को अंदर करेंगे, 10 साल की सजा देंगे। अभी जो आंदोलन है इसमें कौन कौन से संगठन है आपके साथ में? पूरा ऑल इंडिया संगठन है, इसमें जितने संगठन है सभी हैं, सभी एक प्लेटफॉर्म। इसमें बस ऑटो मैजिक सब टोटल ऑटो मैजिक सभी हैं, बाइक भी आ गई, बाइक भी आ गई। ठीक है, आपका नाम भाई साहब? मेरा तौफीक खान नाम है। आप किस बात जिले का अध्यक्ष हूँ? टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत। ठीक भाई साहब, जगह जगह बस ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है, और आपने समझाइश भी दी है सर अभी? इसमें सभी लोगों को समझाइश देके भी हटाया गया है, और ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया, ज्ञापन विधिवत लेकर और SDM साहब ने आगे बढ़ा दिया है, साथ ही साथ इनको जो है किसी प्रकार की कानूनी स्थिति होती है उन पर कार्रवाई की जाएगी, और सभी लोग अभी सामान्य है, सभी ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू। ठीक सर, पर काफ़ी देर तक चक्का जाम रहा था, आपके आने के बाद क्या कुछ चर्चा आपसे आपने ड्राइवर से की? हीट एंड रन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा नया कानून लागू किया गया है, उसके विरोध स्वरूप
चालक संघ के द्वारा ये चक्का जाम किया गया था, बातचीत की गई, उनका ज्ञापन लिया गया और उसके बाद उनका विरोध दर्ज करने का जो समय था वो दिया गया और उसके बाद चक्का जाम। सर क्या कुछ मांगे रही थी उनकी? मांग वही है कि कानून को वापस किया जाए, थोड़ी सारी चीज़ें केंद्र सरकार से रिलेटेड है। सर जाम खुल गया है अब? जी जाम खुल गया है।